नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शकों। जी हाँ, पेश है 16 सितंबर शुक्रवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चिरंजीवी योजना पर बोली दिव्या मदेना, ये तमाशा कलेक्टर और सरकारी सिस्टम पर, लिखा कलेक्टर को सांप सूंघ गया है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ धरना देने वाले ओशिया विधायक दिव्या मदेना का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं देने को लेकर अब जोधपुर कलेक्टर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीएमएसओ के लेटर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये तमाशा कलेक्टर और सरकारी सिस्टम पर है। बुधवार को दिव्या मदेना ने कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को लेकर एक ट्वीट किया था। इसमें लिखा था कि मैं कलेक्टर को खुली चुनौती देती हूं कि मुझे गलत साबित करें या फिर स्वीकार करें, उनसे बड़ी गलती हुई है। मामला 10 सितंबर को महामंत्री स्थित श्री राम हॉस्पिटल का है। खबर, आदर्श सोसाइटी घोटाले मामले को लेकर है, मोदी ने फाड़े 224 करोड़ रुपए के छूट। बेटी, दामाद, पत्नी ने फर्जी ऑफिस और कमीशन के नाम हड़पे 700 करोड़ रुपए। देश में 15,000 करोड़ रुपए का स्टेटमेंट घोटाला करने वाली आदर्श सोसाइटी एक बार फिर चर्चाओं में है। इस मामले में नया खुलासा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए की ठगी करने वाली सोसाइटी के मालिक मुकेश मोदी ने 224 करोड़ रुपए की छूट फाड़ डाले हैं। ये खुलासा इस मामले में जांच कर रही इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर ईडी की ओर से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट से हुआ है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीआरपीएफ में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली वैकेंसी, रिटर्न और फिजिकल टेस्ट से होगा सिलेक्शन, 92,000 रुपये मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपको बता दें कि सीआईएसएफ ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर, एएसआई, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली है। राजस्थान प्रदेश की अगली सबसे बड़ी खबर, गहलोत ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर मांगी मदद, कहा लंबी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, केंद्र से दिलाएं वैक्सीन। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में गोवंश में तेजी से फैल रही लंबी स्किन डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से एक बार फिर की है। सीएम अशोक गहलोत ने मोदी को लिखे पत्र में लिखा है कि महामारी घोषित करने से इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप और इससे पशुओं को बचाने के लिए मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन जैसी फैसिलिटी को मजबूती करने में मदद मिलेगी। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के अलावा 13 राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है। राजस्थान सरकार लंपी से बचाव और इलाज की सभी पॉसिबल कोशिश कर रही है। इसके लिए जरूरत के मुताबिक रैपिड रेस्पॉन्स टीमें भी बनाई गई हैं। केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है, सीएम ने केंद्र सरकार से लंबी बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन डेवलप होने पर प्रदेश को इसकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 55,000 पशुओं की मौत हो चुकी है, वहीं 12,12,000 हुए संक्रमित। राजस्थान के पशुपालन विभाग के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 सितंबर तक राजस्थान में 54,000 पशुओं की लंपी डिजीज से मौत हो चुकी है, जबकि 12,12,231 पशु इससे संक्रमित हुए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में केजरीवाल, 50,000 की जनसभा, मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन करेंगे लॉन्च। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में चुनाव तैयारी जोरों पर कर दी है शुरू। आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल 7 अक्टूबर को जयपुर में मेक इन इंडिया 1 मिशन का सेकेंड फेज लॉन्च करेंगे, युवाओं से सीधा संवाद भी करेंगे। 8 अक्टूबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में केजरीवाल विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें 50,000 की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। सैलेंज है गाड़ी पर केजरीवाल की फोटो लगाकर जाएं तो लोग पूछेंगे, विनी मिश्रा ने कहा कि मेरा सैलेंज है अपनी गाड़ी पर केजरीवाल की फोटो लगाकर कहीं भी चले जाएं, लोग खुद पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कैसे ज्वाइन करें, हमें भी जुड़ना है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य गुजरात में चुनाव को अभी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है। आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी करीब 60 से 65 सीटों पर गुजरात में जीत दर्ज करने की स्थिति में है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में धीमा पड़ेगा मानसून। राजस्थान में 3 महीने से एक्टिव सदर मानसून का दौर अब धीरे धीरे थमने लगा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश तो हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद बारिश का दौर थम जाएगा। इधर शुक्रवार को प्रदेश के दक्षिणी पूर्व हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। कोटा, झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर समेत 19 जिलों में गुरुवार देर रात और शुक्रवार सुबह बारिश हुई है। अब आगे क्या, जयपुर मौसम केंद्र ने स्वयंमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 16 सितंबर से प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ने और मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में सेना भर्ती रैली 29 सितंबर से, जयपुर सीकर के 73,000 कैंडिडेट्स ने करवाया रजिस्ट्रेशन।
जयपुर में 29 सितंबर से सेना में भर्ती के लिए रैली का आयोजन करवाया जाएगा। ये कार्यक्रम 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए 37,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लंबी वायरस से बचने के लिए गहलोत ने बनाई समिति, युद्ध स्तर पर काम करने का किया वादा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मवेशियों में लंबी रोग की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन कर आदेश दिया है। समिति में जिला कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला कोषाधिकारी को शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को समिति का सदस्य बनाया जाएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मौसमी बीमारियों से 3 पीड़ितों की मौत, डरारा डेंगू और स्वाइन फ्लू। राजस्थान में एक बार फिर से डेंगू और स्वाइन फ्लू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वहीं इनके साथ ही मलेरिया समेत अन्य मौसमी बीमारियां मरीजों में तेजी से इजाफा कर रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 15 दिनों में इन बीमारियों से पीड़ित 3 लोगों की मौत होने के मामले भी सामने आए हैं। वहीं इस साल में अब तक 15 लोगों की मौत मौसमी बीमारियों से हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल डेंगू की 1,868 पॉजिटिव केस मिले हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।